गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टैलेंट इज़ बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो गाइज। सो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में आप लोग मिलने वाले हो द रियल मी से, जो कि बिहाइंड द कैमरा मैं हूँ। मैं वही शेयर करूंगी एंड ये वीडियो अनकट होगी, बिल्कुल भी मैं कहीं पे भी कट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यू नीड टू नो कि मैं एक्चुअली मैं हूँ क्या। और जिस तरीके से आप देखते हो ना कि सुंदर सच के धज के सवर के मैं कितनी अच्छी तरीके से वीडियोस शेयर करती हूँ, तो वो एक्चुअली में रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कुछ डिस्क्लेमर्स है, मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, मैं बहुत बार एंड ये बोलती हूँ, तो आई गेस कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा अनोइंग लगेगा, लेकिन माफ कर देना क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे एंड कहीं ना कहीं पे जाके अगर मैं पसंद आ रही हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे नहीं मेरी चैनल को, एंड उसके बगल में एक जो छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना, ताकि क्या होगा मैं जब जब भी वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वो वीडियो देख सकोगे। एंड अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। मैं उनसे प्रोफाइल्स की लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद मैं इतनी देर ही रुकती हूँ एंड फट से वीडियो स्टार्ट हो जाती है, लाइक जो चीज़ आप देखते हो। और एक बात गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हूँ रियल लाइफ में, तो उसके लिए भी अगेन सॉरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर के साथ। तो ऑलरेडी मैंने मेरी फेस को वॉश कर लिया है। बहुत बार इंग्लिश बोलते बोलते प्रॉब्लम होगी, बहुत बार हिंदी बोलते बोलते प्रॉब्लम होगी, बहुत बार मैं बंगाली भी बोल लेती हूँ, तो सभी चीज़ों को बस देखो, मजे लो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं जाके फिर से वीडियो को कट नहीं कर सकती हूँ, इसी वजह से। तो मैंने आज यूज किया है ये गुड वाइब्स की कॉफी नरिशिंग फेस वॉश। एंड अगेन मैं वही कहूंगी कि बहुत अच्छा एक फेस वॉश है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सफोलिएट करता है एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करता है, जितने भी टैन है उसको रिमूव कर देता है। वैसे भी पेंडेमिक के टाइम पे आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग दिस क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसी वजह से। ठीक है, एंड अगेन दिस इज नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल्स, दिस इज टोटली क्रुएल्टी फ्री। यहाँ पे आपको मिलता है टोटल 120 ml आई गेस, या एंड इसकी जो प्राइस है वो है 195 rupees। जो प्रोडक्ट्स मैं सच्ची में यूज करती हूँ इस टाइम पे मेरी नाइट टाइम स्किन केयर में, वो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। और एक बात, मैं जितने भी सारे प्रोडक्ट्स को दिखा रही हूँ, अगर आप टीनेजर भी हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, सभी प्रोडक्ट्स आपको डैमेजेस नहीं देगा। ठीक है, छोटू ने बोल दिया। ठीक है, अभी बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, विच इज टोनिंग। एंड टोनर के लिए मैं इस टाइम पे तीन चीजों को एक साथ यूज करती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि दीदी आप जो लॉरियल पेरिस की, अच्छा पहले बता लेती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यूज करती हूँ ये लॉरियल पेरिस की रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, माई फेवरेट प्रोडक्ट, लेकिन बहुत दाम है इसका, तो इसी वजह से कभी कभार गुस्सा आता है, लेकिन ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये प्लम की ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि काफी प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी रिसेंट फेवरेट विच इज दिस गुड वाइब्स पोमग्रेनेट ग्लो टोनर। आई फोकस ने जगन्नो, हाँ तो ये एक एक करके मैं प्राइस भी बता देती हूँ। आज मेरा मूड हो रहा है इसको यूज करने की, तो मैं इसे ही यूज करूंगी। मतलब ये सच्ची में मेरी मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को यूज करूँ। एंड ये जो लॉरियल वाली फेस माइक्रो एसेंस है, इसका प्राइस है 1400। ये वाली जो फेस मिस्ट है इसका प्राइस है 360 rupees, लेकिन मैंने 329 में लिया था। एंड जो ये पोमोग्रेनेट वाली है वो 250 का है, लेकिन आपको पर्पल पे इजीली डिस्काउंट में सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो मैं यूज कर रही हूँ ये, आई लव दिस पोमोग्रेनेट वाली, एंड देते ही मैं इसको इस तरीके से मेरी स्किन में डैप करती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा पानी पीना है, नहीं जा सकती क्योंकि नीचे मैंने शॉर्ट्स पहन रखी है, एंड आप मेरी टांग देख लोगे, आपको जली सी फील होगा, देन उसके बाद
ओ माँ, व्हाई आर यू सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है एंड वी आर डन। उसके बाद मैं यूज करती हूँ अगेन मेरी और एक फेवरेट प्रोडक्ट। आपने बहुत सारे वीडियोस में इसको देखा होगा, बहुत सारे रिव्यूज में इसको देखा होगा, मेरी IGTV वीडियो में भी आपने इसको देखा होगा, विच इज दिस लॉरियल रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। बहुत अच्छा है ये सीरम एंड आप अगर टीनेजर भी हो तो भी आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो होती है वो आपकी फेस में कोई भी डैमेजेस नहीं देता है। इफ यू हैव ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन और लाइक एक्ने प्रोन स्किन, पिंपल प्रोन स्किन, इट रियली डजंट मैटर। ये बस इसका जो काम है वो है जो मॉइस्चर है उसको बस आपकी फेस में ये लॉक कर देता है एंड दैट इज इट। तो इसको भी आपको बस डैप करना है एंड एक बार कमेंट में आया था कि लिपा ने ही कहा था शायद कि पूजा प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको आप आंखों के लाइक जो आपकी नयन की एरिया है, जो आपकी मतलब दूर बाबा ये जो एरिया है वहाँ पे आप यूज मत करना है, ऐसा बॉटल पे लिखा हुआ है। तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, मैं इसको यूज इस तरीके से ही करती हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी डैमेज नहीं करता है, बल्कि मैं बोलने जा रही थी बोरों भालो ही है, बल्कि अच्छी तरीके से ही सूट करता है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम होती है लाइक बहुत सारे लोगों की जो ये आई साइड होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ होता है कि आप अपनी इस एरिया में यूज़ मत करना, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप एक बार टेस्ट कर लेना एंड टेस्ट करने के बाद अगर नहीं होता है सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दिस। ठीक है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, उसके बाद अगेन जो मतलब इसके ऊपर आपको एक क्रीम अप्लाई करना होगा, वरना क्या होगा कि आपने तो मॉइस्चर को लॉक कर दिया। अब हाइलुरोनिक एसिड का काम है कि वो मॉइस्चर को बस एब्जॉर्ब करे एंड आपकी स्किन में भी ऑलरेडी मॉइस्चर है तो ये उसे भी एब्जॉर्ब करके बाहर भेज देगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर से आप एक मॉइस्चराइजर या फिर अगर आप बाहर निकल रहे हो तो एक सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर कर लेना। मैं कौन सी प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करती हूँ, अगर मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट हो रखी है तो मैं यूज़ करती हूँ ये व्यायाम आयुर्वेदा का एक फोकस नाम दूर बाबा एक कथा सुनना फोकस ने हाँ, तो ये व्यायाम आयुर्वेदा का क्रीम एंड दिस इज द अल्टीमेट रेडियंस फेस क्रीम। इसमें आपको मिलता है सैफ्रन जो कि आपकी स्किन को यू नो ब्राइट करने में, लाइट करने में हेल्प करेगा। मुझे लाइटनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ पे प्रमोट करना चाहूँगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा। और जो दूसरी प्रोडक्ट है जिसे मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ दिस स्टिल ऑर्डर एडवांस्ड नाइट रिपेयर फेस सीरम। अगेन इसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई होने की वजह से मैं इसे लाइक स्पेशल पर्पस में यूज़ करती हूँ, जैसे कि आज मेरा स्पेशल पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कितनी रिच हूँ तो मैं इसीलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग भी सोचेंगे कि इतना नाटक क्यों कर रहे हो भाई, लेकिन सच्ची में मैं ऐसी ही हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता ही है मैं बहुत अनोइंग हूँ बहुत ज़्यादा। अगेन आपको ये डैप करना है एंड इसको अप्लाई करने के बाद गाइज आपके फेस की जो ग्लो, हाँ जो ग्लो आती है ना बाय गॉड, तो अभी मैं इसको इसके हालत में थोड़ा सा छोड़ दूंगी, अगेन मेरी जो स्किन सेल्स है वो एब्जॉर्ब कर ले एंड जो हाथ में मेरी प्रोडक्ट बचती है उसको मैं सिंपली मेरी थाइस पे पोंछ देती हूँ। ठीक है, शायद बहुत सारे लोग यही करते होंगे। इस टाइम में मैं क्या करूंगी, मैं अप्लाई कर लूंगी लिप बाम क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम देना है एंड वीडियो अनकट होने वाली है, तो मैं यूज करती हूँ दोनों लिप बाम को घुमा फिरा के। जो पहली लिप बाम है एंड माय एब्सोल्यूट फेवरेट लिप बाम विच इज दिस मेबेलिन की बेबी लिप्स। मेरी लिप्स तो वैसे बेबी नहीं है लेकिन हाँ यूज कर लेती हूँ क्योंकि इससे मेरी लिप्स में एक टिंट आता है एंड एज यू कैन सी मेरी लिप्स में थोड़ी सी पिगमेंटेशन है। एंड जो दूसरी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है ये पर्पल की चाइल्डहुड बेस्टी लिप बाम एंड दिस इज इन द फ्लेवर
वनीला, तो आज मैं ये वनीला वाला जब आपके पास किस करने के लिए कोई होता नहीं है ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यू साउंड सो वल्गर, चुप करो, सॉरी। एंड उसके ऊपर मैं यूज करूंगी ये, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ताकि मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी जो लिप्स होगी पर थोड़ा सा पिंकी पिंकी नजर आएगा। एंड मेरी सामने ही रहती है मेरी बड़ी मिरर, तो मैं उसमें भी देख लेती हूँ कि कितना प्रिटी मैं नजर आ रही हूँ। और एक बात, जो भी स्किन केयर करो, जो भी आपका स्किन टोन हो, आप जो भी हो, बस अपने आप से प्यार करो, दुनिया को मारो बोली, ये मेरी मेन मोटो है। यू शुड लव योर सेल्फ। इंग्लिश जब बोलनी नहीं आती बोलती क्यों? क्योंकि प्रैक्टिसेस मेक यू परफेक्ट। या व्हाटएवर, हो गया है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी, आप चाहे तो इसके ऊपर से एक ऑयल भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मनमर्जी है। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये ऑयल, क्योंकि मैंने आज ही श्रेया जैन का एक वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा, एंड मैं उनकी वीडियोस मतलब बहुत मन से देखती हूँ कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो हाइप में रहता है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो नहीं मिलते, डेफिनेटली उनकी स्किन की टेक्स्चर अलग होगी, उनकी स्किन टाइप अलग होगी, मेरी अलग है, लेकिन जो जो मिलती है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसी वजह से। तो आज ही मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि आप डेफिनेटली चाहो तो एक ऑयल के साथ इसे टॉप कोट कर सकते हो। एंड मैंने सोचा कि अरे मैं तो करती हूँ, लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ नहीं दिखाया कि मुझे लगा कि मतलब कौन किस तरीके से लेगा। लाइक तुम अच्छी ब्यूटी ब्लॉगर हो, तुमको समझ है थोड़ी थोड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली से हाथ में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, देन मेरी फेस में डैप कर देती हूँ, इससे एक नेचुरल ग्लो आती है आपके फेस पर। थोड़ा सा जूम करके देखो मैं कितने सुंदर हूं ना, खुश सुंदर एरकम सुंदर घरे 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 घरे। एंड लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ ये डर्म डॉग की, ये मैंने रिसेंटली में ही यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये है डर्म डॉग की ये डीप हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल, एंड इसमें आपको एक फोकस लेना पेंटा। तो ये, एंड इसमें आपको मिलता है हाइलुरोनिक एसिड, तो मुझे बहुत पसंद है। आपको बस सिंपली इसे फोकस में पंप करना होगा, प्रोडक्ट निकल आएगा, आपका अंडर आईज में अप्लाई कर देनी है। सच बात बताओ, मैं कभी कभार इस एप्लीकेटर को बस 2-3 बार घिसने के बाद इसे सिंपली अपनी फिंगर टिप की मदद से अप्लाई करती हूँ, इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। मेरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो यू नो जनरेट हो जाती है, एंड आई फील गुड। हो गया, देखा मैंने, बस मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किया और मैं सुंदर से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई। सो दिस इज द रियल मी विथ सो मच ग्लो ऑन माय फेस, ओ माय गुडनेस। तो एक्चुअली मैं ये मैं हूँ, एंड इस तरीके से ही मैं घर पे रहती हूँ, बहुत ही बिंदास, फ्री माइंडेड, थोड़ा सा ड्रामाटिक, थोड़ा सा ओवर ड्रामाटिक, बट आई लव माई सेल्फ एंड यू शुड लव योर सेल्फ एज वेल। तो वही गाइस, मेरी स्किन केयर खत्म हो चुकी है। और एक प्रोडक्ट यूज़ करनी है, यही होता है जब भी मैं वीडियो करने बैठती हूँ, मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। मैंने रिसेंटली मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है ये गुड वाइब्स की नाइट जैस्मिन मसाज ऑयल। अब मसाज नहीं है सिर्फ मसाज ऑयल है। फोकस नैना, तो ये मसाज ऑयल, एंड इसको मैं कहाँ पे अप्लाई करती हूँ, मेरी एल्बोज पे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा यू नो ड्राई लगता है मेरा एल्बो। तो कोई भी बॉडी ऑयल में यूज नहीं करती हूँ मैं, सिंपली इससे यूज कर लेती हूँ
एंड उसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ इस हाथ में जो रहेगा उसकी मदद से यही पे कर लेती हूँ एंड दैट्स इट. हो गई है मेरी स्किन केयर. सो गाइज आई होप आप लोग आज का ये वीडियो देखने में मजा आया होगा एंड अगर पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड अगर आप टीनेजर हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, बार बार मेरी नज़र मेरी तरफ जा रही है, तो की बोल चलम की दूर बाबा की बोलम. हाँ, आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो. और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी स्किन टाइप क्या है क्या नहीं है, तो आप ये सभी जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया है आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो बेझिझक. ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी फेस में डैमेजेस नहीं देगा. मैंने कुछ भी कट नहीं किया था, बस 10-15 मिनट शायद हो गया था, कैमरा अपने आप ऑफ हो गया, ये ऑटो टाइमर सेट हुआ था इसीलिए. तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, कोई भी डैमेजेस नहीं देगा. जस्ट आपकी अगर फेस बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो आप बस इस पर्पल की जो 24K गोल्ड ऑयल है इसे छोड़ के आप सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो. तो मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. आप लोगों से मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस. Bye. You don't call. और हाँ, बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि इससे आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड रहेगा. हाइड्रेटिंग हाइड्रेटेड हाइड हाइड्रा है कितनी.